हम एक्सरसाइज 5.2 एपी जीएनयू यूनिट 5 का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, बी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन द एन टर्म ऑफ एपी। तो इसमें कुछ टर्म मिसिंग है, मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए 7 गिवन है, बी है 3, एन है 8 और फाइंड करना है ए एन हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको ए एन का एक फॉर्मूला बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस ए वन लिख सकते हो या ए जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू बी। यहाँ पे हमें ए एन फाइंड करना है, ए की वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू पुट करनी है प्लस एन माइनस वन, एन गिवन है ए माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास डी है। तो एन की वैल्यू पुट करते हैं, ये होगा ए एट आ गया, ए एट इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 से 21 और ए एट इक्वल टू 28 आ गया हमारे पास ए। नेक्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में ए गिवन है माइनस 18, बी फाइंड करना है हमें, एन गिवन है 10 और ए एन गिवन है 0, ए एन इक्वल टू 0। फॉर्मूला ए एन में लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ए माइनस 18 है प्लस एन 10 है, एन माइनस 1 इंटू बी फाइंड आउट करना हमने, तो ये 0 प्लस 18 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 10 माइनस 1 90, 18 इक्वल टू 90 और डी इक्वल टू 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2, डी की वैल्यू हमारे पास। इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें ए फाइंड करना है, ए गिवन नहीं है, डी है माइनस 3, एन है 18 और एन है माइनस 5। अब हमें इसमें ए फाइंड करना है, फॉर्मूला एन ए लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू वैल्यू पुट करेंगे, ए एन माइनस 5 है इक्वल टू ए फाइंड करना है प्लस एन तीन है माइनस 1 इंटू बी हमारे पास माइनस 3 है, माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस कर दिया 17 और 17 प्लस 51 माइनस का और माइनस 5 और ये माइनस 51 इधर के प्लस का हो जाएगा इक्वल टू ए और ए की वैल्यू 51 में से 5 निकाल दें 46 का। इसी का नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, ए दिया है माइनस 18.9, डी दिया है 2.5 और एन फाइंड करना है और साथ में ए एन दिया है 3.6। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू 3.6 है इक्वल टू ए माइनस 18.9 प्लस एन फाइंड करना है, एन माइनस 1 इंटू बी है हमारे पास 3.6 18.9 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा जाके इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और 6 15 18 और 3 21 और 2 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 में आगे डिवाइड हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट भी एक भेज है उधर भी एक भेज है। अब ये 25 बन गया, 25 आता 9 पर कट गया और 9 इक्वल टू एन माइनस 1 और 1 को इधर ले जाएंगे इक्वल टू एन और एन की वैल्यू आ गई है इक्वल टू एन, ये
देखोगे नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट ए है 3.5, बी है 0 और एन है हमारे पास 105 है और फाइंड करना चाहिए एन फाइंड करना। तो इसमें हमें एन फाइंड करना फॉर्मूला एन का ही आगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी एन इक्वल टू ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन 105 माइनस वन इंटू बी 0 एन इक्वल टू 3.5 प्लस 104 बाई 0 एन इक्वल टू 3.5 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ एपी एपी दीजिए 10, 7, 4 आगे एन सी भी है तो ऑप्शन दीजिए। हमने ऑप्शन के आंसर पूछे एक आंसर चूज करना सॉल्व करके कि क्या आंसर आएगा। उसमें हम आंसर फाइंड करेंगे 30th टर्म फाइंड करेंगे। ए हमारे पास 10 है ए तो A1 और डी है हमारे पास A2 - A1 7 - 10 - B और फाइंड करना है हमने A30 को हम AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे A10 प्लस एन माइनस वन 30 - 1 इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ पे हम सीधा A30 को A+29 लीजिए डी लिख सकते हैं क्योंकि एन माइनस वन एन की वैल्यू 30 है तो वैल्यू कुछ करके भी कर सकते हैं। 10 प्लस 30 में से 1 माइनस किया 29 सीधा कितना 51 और 10 माइनस 57 इक्वल टू माइनस 77 और ये ऑप्शन में है और ऑप्शन के ऊपर टिक करना है लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। इसका सेकंड पार्ट आपने कुछ करना है 11th टर्म ऑफ एपी उससे भी ऑप्शन दी है इसमें कुछ ट्राई कर लेना आपने। अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें कुछ एक टर्म मिसिंग है इसके पार्ट हैं कोई 2-3 पार्ट में आपको उदाहरण का वाक्य कर सकते हैं जिनको आप डाउट तो आप में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दी है और सेकेंड टर्म हमने फाइंड कर लिया। तो फर्स्ट टर्म को हमें ए लिखते हैं 2 दिया हुआ है और ये थर्ड टर्म है ए 3 दिया हुआ है 26। ए 3 को हम ए प्लस 2D लिखते हैं। ए 3 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 2D और 26 में से ए 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड से इक्वल टू 2D और 24 इक्वल टू 2D और डी की वैल्यू 24/2 12 आ गई। हमने डी फाइंड करना हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी A2 इक्वल टू ए प्लस 2 होगा और A2 इक्वल टू ए हमारे पास 2 है और D हमारे पास 12 है और A2 इक्वल टू हमारे पास 14 होगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट आपको सेकेंड पार्ट में करवाता हूँ तीन दिन दोस्तों तीन पार्ट आपको मैं बताता हूँ। सेकेंड पार्ट में 2 टर्म लिखे हुए फर्स्ट टर्म में लिए जीवन है और सेकेंड टर्म जीवन है थर्ड टर्म सिर्फ देखेंगे और फोर्थ टर्म टू है। इसमें 2 टर्म की मैंने बीच में फर्स्ट और थर्ड टर्म की पी है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास सेकेंड टर्म की मैंने 13 और फोर्थ टर्म की मैंने 3। इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं सेकेंड टर्म को हम ए प्लस डी लिख सकते हैं वो 13 है इक्वेशन तो 1 है और ए फोर हमारे पास 3 है जिसको हम ए प्लस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 3 इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करो चाहे 2 में से 1 माइनस करना है 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास ए प्लस डी इक्वल टू 13 है। उसके नीचे सेकेंड वाली इक्वेशन रखेंगे ए प्लस डी इक्वल टू 3 अब ब्रैक करेंगे 1 माइनस हुए साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा और फिर डी में से डी माइनस करेंगे माइनस का 2D और 13 में से डी माइनस किया
then our e is equal to minus 10 upon 2. Minus the is again right side by potential energy. But e की value मानना minus 5. अब d की value आगे हमने find करना है first term. उसके लिए first equation में value put करने के लिए कि put d equal to minus 5 in equation 1. Equation 1 में put करेंगे a plus d की value minus 5 equal to 13. a is equal to 5 बन जाएगा plus हो जाएगा d की value हमारे पास 18 है. First term में find कर ली, तो बस third term find कर ली. a d equal to a plus 2d. a में find कर लिया 18 plus 2 d की value हमारे पास minus 5 है. 18 plus minus minus equal to एट आ गया. ए सी ए मेरे पास एट आ गया और एक वैल्यू हमने ए सी फाइंड करने की मूवमेंट फाइंड करने. अब गेम से ये पार्ट सेकंड पूरा हो गया. नेक्स्ट पार्ट थर्ड का फोर्थ पार्ट करेंगे. इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ मिसिंग है, फिफ्थ भी मिसिंग है और लास्ट टर्म सिक्स टर्म दी है. सिक्स इसमें ए दिया हुआ है माइनस फोर और ए सिक्स दिया हुआ है. ये वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स सिक्स का. अब हमने ये टर्म फाइंड करेंगे तीन टर्म. उसके लिए ये तो ए गिवन है. ए सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस फाइव. ए सिक्स की वैल्यू पुट करेंगे सिक्स इक्वल टू माइनस फोर ए की वैल्यू पुट करेंगे प्लस फाइव डी. फोर इधर ले आएंगे सिक्स प्लस फोर इक्वल टू फाइव डी और टेन इक्वल टू 5d डी की वैल्यू निकाल देंगे एंड फोर फाइव टू वन डी की वैल्यू निकाल लिया. हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे. सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे ए प्लस बी और ए टू इज इक्वल टू ए माइनस फोर है बी हमने निकाला तो ए टू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस टू. ए थ्री फाइंड करेंगे ए प्लस टू डी. ए हमारे पास है माइनस फोर प्लस टू डी की वैल्यू है 2 माइनस फोर प्लस फोर इक्वल टू जीरो. ए फोर फाइव करेंगे प्लस थ्री डी. ए की वैल्यू है माइनस फोर प्लस बी की वैल्यू टू माइनस फोर प्लस सिक्स टू आ गया ए फोर. और ए फाइव फाइव करना है ए प्लस फोर डी. ए की वैल्यू है माइनस फोर प्लस फोर बी की वैल्यू है हमारे पास टू माइनस फोर प्लस एट इक्वल टू जो फाइव आ गया हमारे पास. तो ये हमने फोर टर्म जो मिसिंग थी वो फाइंड आउट कर ली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच टर्म ऑफ ए बी सी फिफ्टीन थर्टीन एटीन आगे ब्लैक है इस टर्म की है. क्वेश्चन पूछा है कि इस ए बी में से कौन सी टर्म 78 है, तो एन कौन सा नंबर है 78 का एन फाइंड. हमने पूछा गया कि इसमें से जो ए बी दी है 78 है वो ए बी में से कौन सी टर्म आती है. नंबर ऑफ टर्म मतलब एन फाइंड करना है कितने नंबर टर्म है 78. ऐसे पिक्चर में जाते हैं तो कौन सा नंबर है 78 का एन फाइंड करना है. तो ए हमारे पास इसमें सी है डी फाइंड करेंगे ए टू माइनस ए वन और डी आ गया हमारे पास 18 माइनस सी 15 और ए एन गिवन है क्वेश्चन में. ये लास्ट टर्म गिवन है और बताना कि ये कौन सी टर्म है तो एंड पॉइंट करना है. ए एन का फॉर्म लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 78 गिवन है. ए हमारे पास सी है प्लस एन माइनस वन इन टू डी हमारे पास 15 है. तो 78 में से पहले 3 में लेके आएंगे माइनस करेंगे इक्वल टू एन माइनस वन इन टू 15. यहाँ पे 75 आ गया और 15 रह जाएगी डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन. 15 के टाइम पर 75 फाइव करते हैं 5 इक्वल टू एन माइनस वन और 5 प्लस वन इक्वल टू एन और एन की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया. मतलब ये 6 टर्म है एपी की और यहाँ पे 6 टर्म ए पी किया करेगी और ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया. यहाँ पे स्टेटमेंट के मिस्टेक है. यहाँ पे 6 टर्म को आई क्योंकि 6 टर्म को आई तो मैं लिख दो
कंडीशन यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, उसमें डी भी चेंज हो जाएगा, एट माइनस जी डी हमने फाइव में डाल दिया, एन दिया हुआ है, और वैल्यू पुट करेंगे, डी हमारे पास फाइव है, उसको ठीक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फाइव पुट कर दिया और यहाँ पे भी फाइव आएगा। और अब 75 को डिवाइड करेंगे इससे 5 से, यहाँ पे 15 आ गया, और एन इक्वल टू एन माइनस वन, और एन की वैल्यू हमारे पास 16 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया, बीच में से डाउन में से गलत थी, रॉन्ग थी, फिर हमने इसको करेक्ट कर दिया। और फिफ्थ स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, एलिमेंट करने 7, 13, 19 आगे 200, इसमें ए हमारे पास 7 है, बी 13 माइनस 22 माइनस 1, बी हमारे पास 6 आ गया, और ए एन हमारे पास 200। अब यहाँ पे भी ए लॉक रूल लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यहाँ पे ए एन 205 है, ए हमारे पास 7 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास 205, ए 7 करके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास 6 है, तो 15 में से 15 में से 7 माइनस 3 हो गए, यहाँ पे 9, यहाँ पे इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6, 6 को डिवाइड कर देंगे, 198 डिवाइड करके इक्वल टू एन माइनस 1, 6 इधर 18, एक बार क्या है, 33 इक्वल टू 9 माइनस 1, और 33 प्लस 1 इक्वल टू 9, और एन की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई। इसी का सेकंड पार्ट सेम है, उसमें लिखा है कि 18 बार 1 बाई 2 13 और माइनस 47, इसी में भी एन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है जैसे ये क्वेश्चन किया है, और इतना हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और नॉर्मल में जो क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आप ट्राई कर लेना, डाउट तो आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके।